नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, कई लोग जो है गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उनका मन तो करता है गार्डनिंग का, पर वो सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें और कहाँ से शुरुआत करें, कि पैसा पॉट लाएंगे, फिर सॉइल के अरेंजमेंट करेंगे, फिर प्लांट चलें कि न चलें। तो इस तरह की कई बातें होती हैं और कई लोगों के पास कम स्पेस होता है, कई लोग जो है किस तरह से करें इसी उधड़ बुन में रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है प्लांट लाए और हमने कुछ लगाए फिर नहीं चले, मर जाते हैं, तो इसलिए वो होपलेस हो जाते हैं। तब भी वो गार्डनिंग कई लोग शुरू भी करते हैं तो फिर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी कि आप इस तरह से जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं, यानी कि बिना पैसा खर्च करे भी हम किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के मानना यह है कि गार्डनिंग का शौक़ जो है वो बहुत महंगा शौक़ है, इसके लिए काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे यही बात करूंगी कि आप जो है जीरो बजट में, बिना लो बजट में बहुत कम पैसे में अपने घर के ही बेकार की चीज़ों से किस तरह से और घर से निकलने वाले कूड़े कचड़े से किस तरह से आप अपनी गार्डनिंग को अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़ है इच्छा शक्ति, कि आपके मन में इस तरह का भाव होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ मैं जो करूँगी वो ज़रूर सक्सेस होंगी और अच्छा होगा उसका रिजल्ट। तो ये सोचकर तो आपने गार्डनिंग शुरू करनी है। तो पहली चीज़ चाहिए होती है हमको पॉट। तो दोस्तों, पॉट के बारे में जब कोई भी गार्डनिंग करनी है, किसी भी प्लांट को लगाना है, ज़मीन में लगाना है, ज़मीन में घर के पास ज़मीन है तो ठीक है, पर अधिकांश लोग आजकल जो है फ्लैट्स में रहते हैं तो उनके बालकनी होती है, और कई लोग जो है ऐसे से घर में रहते हैं तो उनके पास सिर्फ थोड़ी छत होती है, तो कई लोगों के पास थोड़ा सा आंगन होता है। तो इस तरह जैसे जैसे जिसके पास स्पेस है वो उस तरह से अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकता है। तो पॉट की बात करते हैं, अगर छत पर रहते हैं, छत पर रखना है आपको, तो पॉट की बात करते हैं। पॉट के अरेंजमेंट सबसे सरल होता है, क्योंकि दोस्तों आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल में हमारे घर में बहुत सारी जैसे ऐसी पॉली बैग में सामान आता है। देखिए, ये सर्फ का पैकेट है, आप चाहें तो इसके जो है जो कलरफुल हिस्सा है इसको अंदर की साइड कर सकते हैं और जो वाइट हिस्सा है उसको बाहर की तरफ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पॉली बैग होते हैं, तो पॉली बैग हो गए, और देखिए जो घर में जो है पुराने कनिस्टर निकलते हैं वो हो गए, और पुरानी बकेट हो गई, जो पुरानी बकेट टूट जाती है तो उनमें जो है कई बार मैं देखती हूँ कि लोग जो है कबाड़ को इकट्ठा कर देते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसको कलरफुल करिए या वैसे ही लगा दीजिए। उसके अलावा जो है पुराने टब हो गए, तो इस तरह की चीज़ें बहुत निकलती हैं घरों के अंदर। ऑयल कैन हो गई, मैं तो ऑयल कैन का बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, साथ ही जो है वेस्ट जो है हमारे पास बोतलें होती हैं वो हो गई, और कनिस्तर, देखिए कनिस्तर भी बहुत अच्छी तरह से अपने गार्डन में हम यूज़ कर सकते हैं। पुराने कनिस्तर हो गए, अगर ये आपके पास नहीं होते तो आप कबाड़ी से भी ले सकते हैं। कबाड़ी के पास भी हमको बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे गार्डन जो लोग शौक़ रखते हैं उनके मतलब की मिल सकती हैं। देखिए, एक तो वो बहुत सस्ती होती हैं तो, और हमको जो है आसानी से मिल भी जाती हैं। देखिए, कनिस्तर का बीच में से काट के दो पार्ट कर रखा है, तो इस तरह से जो है ज़्यादा ज़्यादा हम जो है अपने प्लांटर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमको गार्डनिंग में चाहिए प्लांटर की। प्लांटर की व्यवस्था करना बहुत कठिन काम नहीं है। इस तरह के जो डिब्बे आते हैं आजकल जो हैं इसमें कार्डबोर्ड के, इनमें भी जो है अपने पॉली बैग रखकर आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो देखिए, आप रिजल्ट पर जाइए कि जैसे आपने जो काम किया उसके बाद क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट देखिए अच्छे होते हैं, बस आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड है। जो भी आप प्लांटर बनाते हैं उस प्लांटर को सिलेक्ट करने के बाद जो है उसकी साफ़ सफाई कर लीजिएगा। जैसे ऑयल कैन है तो उनको अच्छी तरह धो लेना चाहिए, उसमें तेल वगैरह नहीं होना चाहिए। जो भी मार्केट से आप सामान चीज़ लाते हैं, जैसे कनिस्तर वगैरह भी ली तो इनको अच्छे से धो लीजिए, डिब्बे वगैरह हैं उनको साफ़ कर लीजिए, चाहे तो उनको कलर कर लीजिए। कलर करने से थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छा दिखाई देता है। घर पर जो बच्चों के ही जो एक्रेलिक कलर होते हैं वो होते हैं, साथ ही जो है एक्रेलिक कलर से पेंट किया जा सकता है इनके ऊपर, साथ ही जो है घर में जो वाइट वॉश वगैरह होता है, थोड़े बहुत पेंट बची होती हैं, उन पेंट को आप किसी भी तरह से डिजाइनिंग करके यूज करें या वैसे करें, तो इस तरह से हम अपने प्लांट पर जो है पेंट कर लेते हैं तो जो है और खूबसूरत दिखाई देते हैं। पॉली बैग वगैरह को तो आप वैसे ही लगा दीजिए, बाकी और चीज़ों में आप पेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, छोटे से चाय पत्ती का पैकेट है, अब मेरी कितनी अच्छी कटिंग तैयार हो गई है। अब इसको मैं पॉट में, दूसरे अपने जो है जिस पॉट में डिस्प्ले करती हूँ उनमें रख सकती हूँ। ये देखिए, ये छोटी छोटी कटिंग जो है इस तरह की पॉली बैग में बेकार की चीज़ों में आप इन लगा सक करके तैयार कर सकते हैं।
सेकंड चीज़ जो किसी भी गार्डनिंग के लिए चाहिए वो चाहिए सॉइल। सॉइल देखिए, अपने एरिया की सॉइल तो हम हर किसी को मिल ही जाती है, हमारे हिंदुस्तान में तो मिल ही जाती है। जहाँ जहाँ आप रहते हैं अपने एरिया की सॉइल इस्तेमाल करें, नर्सरी से सॉइल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी सॉइल लाएँ, फिर घर में लाकर उसको एक बार अगर आप एक जो है कट्टे में या किसी भी बड़े पॉली बैग वगैरह में ला कर रख सकते हैं, थोड़ी सॉइल ला कर रख सकते हैं, तो फिर उससे आप उससे बहुत सारी सॉइल बना सकते हैं। तो उसको बनाने का तरीका होता है, जब हम कोई भी सॉइल लेकर आते हैं, थोड़ी सी सॉइल जो है पहले आप अपने किसी भी जिसमें जैसे ये टब है जैसे, तो इसके नीचे जो है पहले एक कोई होल बुराने हैं, पहले ड्रेनेज होल हर जो भी प्लांटर लें उसमें, चाहे पॉली बैग हो या कोई और चीज़ हो, उनमें ड्रेनेज होल अच्छे तरह बना के उसके ऊपर जो है हमने एक कपड़ा रख लेते हैं, जिससे कि जो है मिट्टी जो है, अगर आप बालकनी में रहते हैं, छोटा सा तो एरिया है बालकनी, उसमें मिट्टी वगैरह गिरी रहती है तो खूब अच्छा नहीं दिखाई देता है। साथ ही जो है कोई भी हम गार्डनिंग करें, हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई करने से क्या होते हैं कि जो भी पौधे लगे होते हैं वो खूबसूरत दिखाई देते हैं और घर के अन्य लोगों को भी परेशानी नहीं होती है। अगर हमारे जगह जहाँ हमने प्लांटिंग कर रखी है और हमारी मिट्टी वगैरह फैली रहती है तो इससे घर के अन्य सदस्य भी इसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उस पर एक कपड़ा रखकर जो है उस पर जो है एरिया की मिट्टी है उसको डाल दीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी जो है अपने जो भी आपके घर में निकलता है, जैसे पील्स निकलते हैं, केले के छिलके, संतरे के छिलके, अब जो है गर्मी आ रही है तोरी के छिलके, लौकी के छिलके, तो इन सबको डाल दीजिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए, और उसके बाद जो आप अपने एरिया की मिट्टी लेकर आए हैं वो एरिया की मिट्टी अच्छी तरह से बिछा दीजिए, और उसके ऊपर से आप जब वो एरिया की मिट्टी अच्छी तरह खूब अच्छे छिलकों का एक अच्छी सी तह कई खूब ऊँची ऊँची हो जाएगी, तो अच्छी तरह से एरिया की मिट्टी डालकर और थोड़ी सी कहीं से अगर आप गोबर का अरेंज कर सकते हैं तो गोबर मिला दीजिए, और सेंड मिल जाती है ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, शुरुआत इसी से करते हैं। तो उसके बाद जो है खूब अच्छी तरह से मिट्टी की तह लगाने के बाद जो है देखिए, सबसे पहला जो है अब चाहिएगी हमको, जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट दोस्तों बहुत छोटी शुरुआत करते हैं, जैसे ये पुदीना है, देखिए ये पुदीना है, अब गर्मी आ रही है, हर घर में पुदीना आता है। पुदीना आने के बाद जो है आप उसके लीव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और स्टिक को हम फेंक देते हैं, तो उन स्टिक को ही एक आध दिन आप पानी में डाल दीजिए, एक दो पत्ते छोड़िए हर स्टिक में और नीचे के पत्ते सब हटाकर जो है उसको पानी में डाल दीजिए, फिर जो आपने जो इसमें कितनी अच्छी सेंट आ रही है इस पुदीने से, तो उसके बाद जो है उनकी जो है कटिंग तैयार हो जाती है, तो उन कटिंग को उसी मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, तो कुछ दिनों बाद आपका पुदीना तो ग्रोथ करेगा ही, साथ ही नीचे जो है आपकी बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल तैयार हो जाएगी। तो इससे क्या है, कई फायदे हुए, एक तो घर का कूड़ा कचरा निपटा, कूड़े कचरे को इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा जो है हमारे पास सॉइल तैयार हो गई। अब जो है अब नेक्स्ट टाइम जो क्या करेंगे हम, इस सॉइल में जो हमारी तैयार हो जाएगी पुदीना को हटा के, पुदीने को किसी दूसरे बैग में डाल के, उस पर जो है पूरी हमारी सॉइल जो तैयार हो गई है उस सॉइल में जो हमारे एरिया की सिंपल मिट्टी थी उस सबको मिलाइए, और दो चार पॉली बैग या जो भी चीज़ों में आप भरना चाहते हैं डिब्बों में, घर के पुराने डिब्बों में, उनमें जो है ड्रेनेज होल बना के कपड़ा रख कर, मैं कपड़ा ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कपड़ा रखने से जो है नीचे मिट्टी नहीं गिरती है, तो इस तरह रखकर उसके जो है अपने बैग वो भर दीजिए, जो भी आपने ग्रो बैग बना रखे हैं कुछ भी चीज़ को आप रखते हैं। उसके बाद जो है आपकी सॉइल भी तैयार हो जाती है, साथ ही आपके पास फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाता है, यानी कि आपकी सॉइल जो है बहुत फर्टाइल होती है। अगर खाली एरिया की मिट्टी लाकर अगर डायरेक्ट आप उसमें लगा देंगे तो आपका प्लांट नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो एरिया की मिट्टी ज़मीन में होती है, ज़मीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कैसे न कैसे पौधे चल जाते हैं, पर जब हम उनको एक सीमित एरिया देते हैं तो उसके बाद जो होते हैं प्लांट को चलाने के लिए बहुत कुछ उनके ऊपर करना पड़ता है। सॉइल तैयार हो जाती है तो धीरे धीरे जो है आपके बहुत सारे जो है आप प्लांटर में उस सॉइल में मिलाकर, थोड़ी सी गोबर कहीं से मिलाकर तो आप भरते रहें, तो फिर आपके पास क्या है बहुत सारे प्लांटर में जो है सॉइल रेडी है। तो उसके बाद कटिंग की बात करते हैं कि कौन कौन से हम प्लांट लगा सकते हैं। हम नर्सरी से प्लांट नहीं खरीदना चाहते हैं, हम ऐसे ही अपनी गार्डनिंग को शुरू करना चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे प्लांट हमारे आसपास 90% पौधे ऐसे होते हैं जो कटिंग से आसानी से तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये कनेर देख रहे हैं आप, ये कनेर का पौधा है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है हमने, और इसी तरह देखिए इसकी कटिंग से ही तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे पौधे आप लाइए, कहीं पर भी जो है आपको मिलता है तो एक जो है आप छोटी सी कटिंग लाएं, बड़े किसी बड़े पेड़ से अगर आप किसी के लेके भी आते हैं या मांग ले भी लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब हमारा ये गार्डनिंग का शौक शुरू होता है तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो कटिंग का आदान प्रदान भी होने जाता है कि आज मेरे पास जो है मैं दूसरे को दूंगी, दूसरा मुझको देगा, तो इस तरह
तरह से भी जो है हमारे पास बहुत सारे प्लांट जाते हैं। कोई भी कटिंग लेकर किसी बाग में अगर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ से सूखे हुए फूल ले आइए और उन फूलों को जो है थोड़ा सा कुछ में रख कर जो है उसके बीज को डाल दीजिए, उससे भी कई प्लांट तैयार जाते हैं। साथ ही जो है ये गेंदे के प्लांट हैं, दिवाली में जो माला आती है उसको सूखते डालते हैं, मंदिरों के पास रखी मिलती हैं पुरानी मालाएं पड़ी रहती हैं उनको उठा के कहीं पर भी बुके में आपको फ्लावर्स मिलते हैं उन फ्लावर को कुछ समय के लिए जो है आप अपनी मिट्टी के ऊपर डाल दीजिए। देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए एक जो है जो कट्टा है, एक बैग है, ये इसमें जो है पूरे घर का कूड़ा कचरा है। और ऊपर से देखिए ये देखिए, अब मैं आपको सॉइल दिखाती हूँ, मैं आपको ये पूरी जो है फर्टाइल सॉइल है, इसकी थोड़ी नियमित रूप से थोड़ी गुड़ाई करी गई है। तो ये जो है नीचे जो है पूरा कूड़ा कचरा है और कूड़े कचरे के ऊपर जो है मेरी ये पूरी इतनी सॉइल तैयार हो गई है। इस सॉइल को मैं किसी भी प्लांटर में भरूंगी तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हमें सॉइल तैयार करनी होती है, जो एरिया की सॉइल है उसको ज़्यादा फर्टाइल तैयार करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो प्लांट जो है देखिए अभी सीजन आ रहा, समर आ रहा, कोलियस है और पार्सलन है, पार्चुला का है, छोटी छोटी कटिंग से ही आप इसी समय गार्डनिंग शुरू करेंगे तब भी होपलेस नहीं होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके पास। आपको जो है ये जैसे देसी जो गुड़हल होता है रेड कलर का, बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है। ऐसी कटिंग लाकर चार पांच कटिंग ला के कुछ पाँच दिन पानी में डाल दीजिए, उसके बाद जो है जो आप सॉइल बनाते हैं उसके अंदर डाल दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास फर्टिलाइज़र भी तैयार है, क्योंकि हमारी सॉइल तो बहुत फर्टाइल है, उसके ऊपर ज़्यादा हमने कोई फर्टिलाइज़र बाज़ार से ला कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस तरह से अपने गार्डनिंग करते हैं। देखिए ये सब प्लांट जो है कटिंग से ही तैयार है, कटिंग से बहुत ज़्यादा प्लांट तैयार होते हैं। और ये जो है इसमें पर्पल कलर का जो है हिबिस्कस आता है, ये देसी वैरायटी है। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास सॉइल भी तैयार है, पॉट भी तैयार है और जो है फर्टिलाइज़र भी तैयार है, तो अब जो है प्लांट पर जो है प्लांट भी बता दिया कि आपको जो घर में बहुत सारे निकलते हैं, पुदीना है, प्याज जो है आपकी जब कंद आ जाती उसमें जो है अंकुर फूट जाते उनको लगा दीजिए तो प्याज के पत्ते खाने को मिल जाएंगे आपको। घर में धनिया होता है, उस धनिया साबुत धनिया होता है उसको जो है हाथ से क्रश करके उसको भी डालेंगे तो उससे भी कई बार उग जाता है, धनिया भी उगता है। तो इस तरह ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं कि आप जो है करना शुरू करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, खाली कहने से नहीं होता है, इसमें थोड़ा करने मालूम पड़ता है कि क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे। और बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई हमारे चीज़ को हम ग्रो करते हैं और उगती है तो बहुत ही खुशी होती है। जब हमारे प्लांट चलने लग जाते हैं तो कई बार देखिए सीजन चेंज होने पर इंसेक्ट का अटैक होता है, तो इंसेक्ट का अटैक होने समर आ रहा है, समर में जो है इंसेक्ट का अटैक जो चींटियों का अटैक होगा आपकी प्लांट पर अक्सर, तो चींटियों के लिए जो है आप जो है पानी देते हैं, उस पानी में एक चम्मच, एक बाल्टी पानी में दो चम्मच आप हल्दी भिगो दीजिए, हल्दी डाल दीजिए जो पिसी हुई हल्दी होती है और साथ ही दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। तो उस पानी को जो है उबाल के ठंडा करके भी दे सकते हैं, साथ ही उसको एक दिन के लिए भिगा के छोड़ दीजिए, सुबह शाम तक दीजिए, तब भी जो है आपके प्लांट में जो है उस जड़ में दीजिए पौधे की, तो इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। साथ ही आपने सुन रखा होगा कि देखिए अधिकांश जो है गार्डनर कहते हैं कि अपने प्लांटर पर जो है अपने प्लांट्स पर जो है कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अब नीम ऑयल आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस समय जो है अब नीम में नए नए अंकुर आ रहे हैं तो बहुत सारे जो है फ्लावर्स बन रहे हैं, फ्लावर्स के बाद जो है निमोली बनेगी, उन निमोली को इकट्ठे कर लीजिए, उनमें जो है एक जो है कि आपके पास जो बोतलें होती हैं वगैरह की उनमें भर दीजिए, आधे तक निमोली भर दीजिए, उसके बाद पानी भरिए उसमें ज़्यादा और थोड़ा सा गुड़ डाल के छोड़ दीजिए उसको इसको जो है कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, हिलाते रहें टाइम टाइम से और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तो उस पानी में और पानी मिलाकर जब आप कुछ समय के बाद छान कर अपने पौधों को जो है स्प्रे करें। अब स्प्रे करने वाली बात भी करते हैं तो स्प्रेयर भी नहीं लेना है हमको, हम सोचते हैं हम बिल्कुल जीरो बजट में करेंगे, कुछ खर्च नहीं करेंगे, तो घर में जो पेप्सी की बोतल होती है उनमें छोटे छोटे छेद करिए और उनसे बहुत अच्छा स्प्रे हो जाता है, तो उस तरह से काम। तो ये सब चीज़ें जब हम करने लग जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ऐसे ऐसे भी हम अपने काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ज़्यादा फूल लेने के लिए जैसे केले के छिलके, संतरे के छिलके आते हैं, सब्जियों के छिलके हैं, हम उनको सुखा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने बताया कि प्लांटर में नीचे की तरफ रख दीजिए, ऊपर से मिट्टी बना के रख दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप उनको जो है पानी में भिगो दीजिए, उस पानी को जो है दो तीन दिन छोड़ दीजिए और उसके बाद पौधों को दीजिए। तो इस तरह देखिए कटिंग से तैयार ही डहेलिया का प्लांट इस समय छत पर रखा हुआ है, बहुत तेज़ धूप आ रही है तब भी इतना चल रहा है। जब हम अपने प्लांट में जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल
करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि प्लांट की जो इम्यूनिट सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप जो है ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, जो हम जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं उनको खाते हैं, तो उसके बाद जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है तो बढ़ती है। तो ऐसे ही पौधों में भी होता है, उनमें अगर आप केमिकल की बजाय ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट मटेरियल का, जो चीज़ हम खाते हैं हम खुद अपने लिए पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, तो उन्हीं के जो छिलके होते हैं, उन्हीं का जो वेस्ट होता है उसको पौधों को दीजिए, प्रकृति का लेकर प्रकृति को दीजिए, तो ज़रूर आपके पास जो है उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। ये देखिए अडेनियम में कितनी अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है। नीम के पत्तों को जो है आप पानी में उमाल कर, छान कर, ठंडा कर कर, और उसमें जो है थोड़ा सा घर में जो सरसों का तेल होता है वो डालकर, साथ ही जो है उसमें जो विम जेल डालकर उसका भी जो है स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी जो है इस समय जो कीड़ों का प्रभाव होता है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको बहुत सारी बातें शेयर करी आपसे कि आप जो है बिल्कुल जीरो बजट में बिना किसी खर्चे के भी किस तरह से अपने गार्डन को महका सकते हैं, फूलों से महकाइए। साथ ही जो है देखिए आपके जो करेले की जो होते हैं सब्जी के लिए आते हैं, कई बार पक जाते हैं, तो उनसे जो है बीज डाल दीजिए तो इस तरह से तैयार हो जाए। इस तरह से जो है आप वेजिटेबल बना सकते हैं। जो घर में मिर्च होती है मिर्च को डाल दीजिए, उससे मिर्च के छोटे बीज जो होते हैं सूखी लाल मिर्च होती है उससे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये बहुत कुछ हमारे आसपास ही है जिसको हम जो है थोड़ा सा पहचानने की देर है, थोड़ा सा समझने का टाइम लगता है कि हमें हाँ हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ज़रूर हम सक्सेस होते हैं। और हमारे को इस चीज़ की जो है लोग तो तारीफ करते ही हैं, साथ ही हमको खुद को खुशी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम खुद खुश होते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हम अपने आसपास के लोगों को भी ज़्यादा हैप्पी रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं जो हम सबको इस समय ज़रूर करने चाहिए। केले वगैरह के छिलके, संतरे वाले छिलके को आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये सूख रहे हैं, बाद में जो है ये बैग जो है कहीं पर इसमें मक्खियाँ ना लगे करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी, आज थोड़े से ड्राई हो जाएंगे फिर इसके अंदर डाल दूँगी, तो इसमें जो है मेरे आसपास मक्खियाँ भी नहीं होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कोई भी काम करना है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, उसके बिना तो हमारी गार्डनिंग जो है खूबसूरत नहीं दिखाई देगी। तो दोस्तों आज मैंने आपसे इस बात करी कि आप जो है बिना पैसा खर्च करें अपने गार्डन में या फिर अपने आंगन में, छत पर, बालकनी में किस तरह से आप प्लांट लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएं, खूबसूरत बनाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।